हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो, एटम्स के बारे में आप बचपन से आज तक कई बार सुनते होंगे, आपने कई बार एटम्स का नाम सुना होगा। तो आज डिस्कस करते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। देखो, ये कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, ये वाटरफॉल है, इसके चारों तरफ पहाड़ वगैरह है। हाँ, ये देखो, ये क्या है? गैलेक्सी। ये हमारी अर्थ। इस दुनिया में जो भी कोई चीज बनी है वो किससे मिलकर बनी है? एटम्स। एटम्स हर जगह प्रेजेंट। ये वॉटरफॉल, ये पहाड़, ये किससे मिलकर बने? एटम्स। ये गैलेक्सी किससे मिलकर बनी है? एटम्स। आप किससे बने हो? एटम्स। मैं, हम सब, और ये हमारी पूरी अर्थ, ये सबका सब किस चीज से बना है? एक बहुत ही छोटी सी चीज जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम्स। तो एटम्स हर जगह प्रेजेंट है, चाहे आप अर्थ के अंदर की बात करो, चाहे आप अर्थ से बाहर की बात करो, हर जगह एटम प्रेजेंट है। एटम को समझने के लिए कि एटम आखिर होता क्या है, आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो, जैसे ये घर, देखो हमारे घर एक बहुत ही छोटी सी चीज से बनते हैं, जिसको बार बार ज्वाइन करने पर ही ये पूरा घर कंस्ट्रक्ट होता है। बताओ वो चीज क्या होती है? वो चीज होती है ब्रिक्स। ये ब्रिक्स, एक एक ब्रिक को जब आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास क्या बनता है? पूरा एक घर। यानी मैं कह सकता हूं कि दीज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग यूनिट ऑफ अ हाउस। अगर ये ब्रिक्स नहीं हो तो आप इस हाउस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। सेम इसी तरह कोई भी चीज, मैटर, इस दुनिया में प्रेजेंट कोई भी मैटर, वो भी किससे मिलकर बनती है? एटम्स। जैसे ये मकान, ये हाउस ईंटों से मिलकर बना है, सेम उसी तरह एक मैटर होती है, वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स से छुटकर बनती है, और वो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम्स। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि एटम्स आर द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑल मैटर। इस दुनिया में जो भी कोई चीज प्रेजेंट है उसकी बिल्डिंग यूनिट कौन है? एटम्स। यानी वो किससे मिलकर बना है? एटम्स से। तो हम एटम्स को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं एज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल मैटर इज कॉल्ड एटम। वो सबसे छोटी यूनिट जिसके थ्रू सारी मैटर्स फॉर्म हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? एटम। तो बहुत ही सिंपल सी चीज होती है एटम। सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि अगर एटम नहीं होता तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। हर चीज किससे मिलकर बनी है? एटम्स। एटम्स को डिफाइन करने के बाद अब हम ये जानना चाहते हैं कि एटम्स को हम पहचाने कैसे। देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुनिया की हर चीज एक ही तरह के एटम से बनी हो। अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं और उनको पहचानने के लिए हम उन्हें एक स्पेसिफिक सिंबल प्रोवाइड करवाते हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को पहचानते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं क्या जरूरत पड़ी कि हम एटम्स को सिंबलाइज करें। देखो, जैसे ये बहुत सारे बच्चे हैं, अगर ये सारे बच्चे एक साथ आपके सामने आ जाए तो क्या आप इन्हें पहचान सकते हो? बोलो, आप इनकी शक्ल देखकर इन्हें नहीं पहचान सकते हो। आपको इनको पहचानने के लिए इनके नाम की जरूरत होगी। हर बेबी को आपको एक नाम देना पड़ेगा, ऐसा ही होता है। हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबके अपने अपने कोई ना कोई नाम है जिनके थ्रू हम उन्हें पहचानते हैं। अगर सबके नाम हटा दिए जाए तो आप सोचो वर्ल्ड कितना लोनली हो जाएगा ना। आप किसी को बुला ही नहीं पाओगे, शक्ल देखकर आप कैसे किसी को बुलाओगे? ऐसे बोलोगे ओए, नहीं बोल सकते ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, हर इंसान को हम एक नाम देते हैं, उसी नाम से उसकी पहचान होती है और थ्रू आउट उसकी लाइफ हम उसे उसी नाम से बुलाते रहते हैं। जैसे ये सब बच्चे, इन सब बच्चों को कोई ना कोई नाम दिया जाएगा जिनसे इन्हें आगे जाके पहचाना जाएगा। सेम यही केस होता है एटम्स के साथ। ओवरऑल हमारे पास 115 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट का अपना एक एटम होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एटम किस एलिमेंट का है? उसके लिए हमने एक तरीका अपनाया कि जैसे हम इंसानों को नाम देते हैं वैसे एटम्स को क्या करें? हम सिंबलाइज करें। तो एटम्स को सिंबलाइज करने के लिए हम बहुत छोटे छोटे दो तीन रूल्स फॉलो करते हैं। देखो, उन्हें डिस्कस करते हैं।
जो पहला रूल है वो ये कहता है कि मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। हम जो भी एलिमेंट का नाम लिखते हैं उसके या तो फर्स्ट लेटर को या फिर फर्स्ट टू लेटर्स को हम सिंबल की तरह यूज करते हैं। तो ये हुआ पहला रूल। देखो दूसरा रूल, फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज कैपिटल। जब भी आप सिंबल लिखोगे तो उसका पहला लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी होगी, सिंबल्स आर टेकन फ्रॉम इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। जो भी आप सिंबल्स यहां पे यूज करोगे या जो सिंबल्स आप असाइन करोगे वो या तो एलिमेंट्स के इंग्लिश नेम्स हो सकते हैं या फिर ग्रीक नेम्स हो सकते हैं या फिर लैटिन नेम्स हो सकते हैं। तो ये तीन मेन रूल्स को फॉलो करते हुए एटम्स को सिंबलाइज किया हुआ है। चलो हम एक एक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हम उसके सिंबल को क्रिएट कर सकते। चलो एटम्स को सिंबलाइज करने के लिए मैंने एक टेबुलर फॉर्म बनाई है ताकि हम याद रख सकें कि एलिमेंट क्या है, उसका नाम क्या है, उसका सिंबल, कुछ रिमार्क्स जो मैं आपको बताऊंगा और उसका एटॉमिक नंबर। हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम भी क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। और इसका सिंबल, क्योंकि ये इंग्लिश नेम है तो इसका सिंबल होता है एच। हम फर्स्ट लेटर भी ले सकते हैं या फिर फर्स्ट टू लेटर्स भी ले सकते हैं, तो सबके लिए अलग अलग है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाइड्रोजन के लिए हम कोई रिमार्क नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, वैसे तो मैं नॉर्मल एटॉमिक नंबर्स को ही फॉलो करूंगा एक के बाद जैसे 1, 2, 3, 4, 5, एक एक को डिस्कस करते हैं। सेकेंड जो एलिमेंट है हमारा एटॉमिक नंबर 2, वो है हीलियम। अब देखो हम एच हाइड्रोजन को दे चुके हैं तो हीलियम को हम एच नहीं दे सकते, तो इसे हम क्या देंगे, सिंबल HE। ठीक, एटॉमिक नंबर 3। थर्ड आता है पास लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li। क्या होता है सिंबल, Li। देखो इनके नेम सेम है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है पास बेरिलियम। बेरिलियम इसका सिंबल होता है Be। फिर एटॉमिक नंबर 5, वो होता है बोरोन। बोरोन, तो बोरोन का सिंबल हम लिखते हैं बी, फर्स्ट लेटर बी। एटॉमिक नंबर 6 जो कि होता है कार्बन, और कार्बन का सिंबल तो आप जानते ही हो, सी से स्टार्टर से हम लिखते हैं सी। सेवेंथ है आपके पास नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 इज नाइट्रोजन। सिंस ये एन से स्टार्ट हो रहा है इसको नाम लिखा हमने एन, तो नाइट्रोजन का सिंबल हुआ एन। एटॉमिक नंबर 8, वो आता है आपके पास ऑक्सीजन, सिंबल क्या होगा, ओ। एटॉमिक नंबर 9, वो आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन सिंस एफ से स्टार्ट हो रहा है तो उसका सिंबल क्या बनाया गया, एफ। एटॉमिक नंबर 10, नियॉन। सिंस एन हम नाइट्रोजन को दे चुके हैं तो इसको सिंबल क्या लिखेंगे हम, एन ई। एटॉमिक नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिखते हैं सोडियम। क्या लिख रहे हैं हम इसे, सोडियम। देखो मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं, थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं कलर को, सोडियम। सोडियम का जो सिंबल होता है वो लिया गया है उसके लैटिन नेम से। कौन से नेम से लिया गया है, लैटिन नेम, जो कि होता है नेट्रम। क्या होता है, नेट्रम। नेट्रम से इसका सिंबल लिया गया है, नेट्रम के फर्स्ट टू लेटर्स हैं एन एंड ए, इसका सिंबल क्या हो गया, एन ए। रिमार्क है कि इसका जो सिंबल लिया गया है वो इसके लैटिन नेम से लिया गया, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल्स उनके इंग्लिश नेम से ना लेकर कहां से लिए गए, उनके लैटिन नेम से, जिनमें पहला कौन है, सोडियम, जिसका सिंबल क्या होता है, एन ए। चलो 11, आगे बात करते हैं एटॉमिक नंबर 12, यहां पर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में आपको ध्यान रखना है, देखो एम ए, फर्स्ट टू लेटर्स एम ए है लेकिन इसका सिंबल होता है एम जी। एम जी को क्या बोलते हैं हम, मैग्नीशियम। तो इसमें फर्स्ट टू लेटर्स नहीं लिए गए, एम और जी को लिया गया है। थर्ड जो एलिमेंट है आपका, दैट इज एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम, और इसका सिंबल क्या बनेगा बताओ, वेरी गुड, ए एंड एल, इसको हम क्या बोलते हैं,
एल्यूमिनियम, यानी एल लिख दिया तो उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की। एटॉमिक नंबर 14, ये कंपाउंड होता है सिलिकन, तो बताओ सिलिकन का सिंबल क्या बनेगा, SI। एटॉमिक नंबर 15, कंपाउंड होता है फास्फोरस, सॉरी एलिमेंट होता है फास्फोरस, सिंबल क्या बनेगा इसका, P। इस तरह से हम एलिमेंट्स को सिंबलाइज करते हैं। जितने एलिमेंट्स के सिंबल मैं लिख रहा हूं वो तो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। तो अभी तक हमने लिखे अप टू एटॉमिक नंबर 15, नॉर्मली अप टू 20 तक तो हमें याद रखना ही रखना है, उसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल भी हमें याद रखने होंगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं 15 के बाद। एटॉमिक नंबर 16, 16 एटॉमिक नंबर होता है सल्फर, उसका सिंबल होता है S। एटॉमिक नंबर 17, एलिमेंट होता है क्लोरीन, जिसका सिंबल होता है Cl। एटॉमिक नंबर 18, विच इज आर्गन, इसका सिंबल होता है Ar। एटॉमिक नंबर 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है पोटेशियम, पोटेशियम। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होना चाहिए, P, लेकिन इसका सिंबल P नहीं होता क्योंकि इसको भी इसके लैटिन नेम से लिया गया है, दैट इज कैलियम। क्या होता है, कैलियम, और उससे क्या लिया गया है यहां पे, K। एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम को उसके लैटिन नेम से लिया गया है, इसलिए इसे P या PO नहीं लिखकर क्या लिखते हैं, K। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एटॉमिक नंबर 20, जो है आपका कैल्शियम, जिसका सिंबल हम लिखेंगे Ca। अप टू 20 तो आपके लिए एसेंशियल है, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। फिर आप जैसे हायर क्लास में पहुंचते जाओगे, बाकी बचे एलिमेंट्स के सिंबल्स भी आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे, लेकिन इनके लिए आपको ध्यान देना है। देखो वापस वही चीज, इनको बैठ के आपको रटना नहीं है, आप इन्हें यूज करोगे, जब भी इन्हें यूज करो थोड़ा स्ट्रेस दो, थोड़ा देखो कि S लिखा हुआ है तो S का मतलब क्या है, सल्फर। K लिखा हुआ है तो K का मतलब क्या है, पोटेशियम, जिसका लैटिन नेम क्या होता है, कैलियम। तो धीरे धीरे हम इनको यूज करेंगे, धीरे धीरे हमें याद होते जाएंगे। चलो अब कुछ स्पेशल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं जिनका इंग्लिश नेम कुछ और है और उनके सिंबल्स कुछ और हैं। जैसे ये था पोटेशियम, एक था सोडियम। इसी तरह एलिमेंट होता है आपके पास आयरन, आयरन का नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन आयरन का सिंबल आई नहीं होता है, आयरन का सिंबल होता है Fe, जो इसके लैटिन नेम फेरम से लिया गया है। कहां से लिया गया है, इसके लैटिन नेम फेरम से। उसी तरह कॉपर, कॉपर का सिंबल होता है Cu, जो कि इसके लैटिन नेम क्यूप्रम से लिया गया है। किससे लिया गया है, क्यूप्रम, क्यूप्रम से क्या लिया गया, Cu। सेम इसी तरह गोल्ड, गोल्ड का सिंबल लिखा जाता है Au, जो कि इसके लैटिन नेम दैट इज ऑरम से लिया गया है। एक और होता है कंपाउंड मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है Hg, मरकरी का जो सिंबल है वो भी इसके लैटिन नेम से लिया गया है, जो कि है हाइड्रा गायरम। ये मरकरी का लैटिन नेम होता है हाइड्रा गायरम, आपको ये नाम याद नहीं रखना है, आपको तो सिर्फ सिंबल याद रखना है Hg, दैट इज मरकरी। तो कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स है जिनको मैंने रेड कलर से लिखा है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इन सबके जो सिंबल्स हैं वो इनके लैटिन नेम से लिए गए हैं। तो अगर आयरन है तो आयरन को हम आई नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, Fe। कॉपर को हम क्या बोलेंगे, Cu। गोल्ड Au। मरकरी Hg। पोटेशियम को P नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम, K। तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। बात करते हैं इनके एटॉमिक नंबर की, तो आप इन सबके एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, गोल्ड, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80। इस तरह एक एलिमेंट और बच गया है जिसके बारे में हमें बात करनी है, दैट इज सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, जो इसके लैटिन नेम अर्जेंटम से लिया गया है, चले गया अर्जेंटम, तो वहां से लिया गया है Ag, और इस Ag का एटॉमिक नंबर होता है
47। ठीक, तो ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे जिनके सिंबल मैंने आपको लिखना सिखाया, और आपको ये सिंबल्स याद रखने एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद होनी चाहिए, उसके अलावा आप जितने याद रख सको उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सिंबल्स ऑफ एटम्स डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, देखो एटम्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो मैटर को भी वही प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवाते हैं। तो डिस्कस करते हैं क्या कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं एटम्स की। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी एटम्स की, दैट इज एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। एटम्स साइज में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, मतलब इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। अगर हम एटम की साइज की बात करें, साइज ऑफ एटम, उसका ऑर्डर होता है 10^-10 मीटर्स। कितना होता है, 10^-10 मीटर। एक मीटर को तो आप अच्छी तरह जानते हो, ये जो आपका एटम होता है वो एक मीटर से 10^10 टाइम्स छोटा होता है। सोचो कितना छोटा होता होगा। तो एटम बहुत बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अगर मैं यहां पे एक छोटा सा मार्क बना रहा हूं, इस मार्क में भी मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एटम की साइज क्या होती है, बहुत स्मॉल, उसका ऑर्डर होता है 10^-10 मीटर। और हम इसको नापते हैं इसी यूनिट में, इसे हम इसको लिखते हैं नैनोमीटर, नैनोमीटर। देखो नैनोमीटर भी एक यूनिट होती है साइज को मेजर करने की, और एक नैनोमीटर जो होता है वो 10^-9 मीटर के बराबर होता है। यानी एक मीटर के 10^9 हिस्से के बराबर क्या होता है, एक नैनोमीटर। तो बहुत छोटी यूनिट होती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल। जैसे मैं हाइड्रोजन के अगर दो अलग अलग एटम्स को उठाऊं तो दोनों साइज में भी सेम होंगे, शेप में भी सेम होंगे, हर तरह से क्या होंगे, ये सेम। बट द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अगर आप दो अलग अलग एलिमेंट्स ले लो, जैसे मैं ले लूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके एटम सेम नहीं होते। एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हमेशा सेम होते हैं, जबकि दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट। तो ये एक दो जनरल प्रॉपर्टीज हैं एटम्स की जो हमारे काम में आएंगी। फर्दर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एटम्स की, वो उनका मास, जिसे हम डिफाइन करते हैं एज एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको यूनिट्स को यूज करना सीखना होगा कि कैसे हम मास को मेजर करने की यूनिट्स बनाते हैं। चलो एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। तो देखो ये हमारे एग्जांपल का एक सेटअप है, मैं आपको पहले सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपके पास एक वेट बैलेंस है, ठीक, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। आपके पास कुछ बॉल्स हैं, सबके सब बॉल्स सेम है, सबका मास भी क्या है, सेम। और ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक, इस ब्लॉक का हमें मास पता करना है, मास, मास पता करना है इन टर्म्स ऑफ दीज बॉल्स, कि ये अकेला ब्लॉक कितनी बॉल्स के बराबर है। ठीक, सपोज हम बहुत पुराने जमाने में जी रहे हैं, हमें नहीं पता केजी ग्राम ये सब क्या होता है, और हमें बस इस ब्लॉक को पता करना है कि इसको हम कैसे, इसका वेट हम मेजर कर सकते हैं। तो बताओ इन बॉल्स की सहायता से, इन बॉल्स की हेल्प से आप इस ब्लॉक का मास कैसे पता करो। तो हम ये टास्क कैसे करेंगे, बहुत आसान है। हम इस ब्लॉक को उठाएंगे और इसे इस वेट बैलेंस पे रख देंगे।
और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक एक बॉल को उठाएंगे और इस वाले वेट बैलेंस में रखना स्टार्ट कर देंगे। इनिशियली क्या होगा, ये जो आपने बॉक्स को वेट बैलेंस के लेफ्ट साइड में रखा तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट बैलेंस कहां चला जाएगा, नीचे की तरफ। अब आप एक एक करके इन बॉल्स को यहां पे रखना स्टार्ट कर रहे हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ते जाएंगे ये बैलेंस फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा और तब तक मूव करता रहेगा जब तक यहां पे रखी हुई बॉल्स का वेट इस बॉक्स के वेट के बराबर ना हो जाए। बोलो ऐसा ही होगा है? जिस पॉइंट पर ये दोनों पॉइंट, ये दोनों वेट बैलेंस इक्वल हो गए, हम क्या बोल देंगे कि दोनों साइड मास इक्वल है। और इस टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू, यहां कितनी बॉल्स है, फाइव, फाइव टाइम्स द मास ऑफ बॉल्स। बोलो कह सकता हूं। चलो यहां पे बॉक्स की जगह कुछ और रखते हैं, मान लो यहां पर हम एक बड़ी बॉल रखते हैं और ये मानते हैं कि यहां पर ये दो बॉल्स और रखने पर ये वेट बैलेंस हो जाता है। अब हम क्या बोलेंगे कि मास ऑफ दिस ग्रीन बॉल, मास ऑफ द ग्रीन बॉल इज हाउ मेनी टाइम्स, सेवन टाइम्स द मास ऑफ बॉल्स। समझ में आता है आपको? इस तरह से हम किसी भी चीज का मास इन बॉल्स के मास के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमें मास ऑफ बॉक्स लिखना है तो हम लिखेंगे फाइव टाइम्स द मास ऑफ बॉल्स, जब मास ऑफ दिस ग्रीन बॉल लिखना है तो हम लिखेंगे सेवन टाइम्स द मास ऑफ बॉल्स। यानी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का मास लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सम एन टाइम्स द मास ऑफ बॉल्स, कह सकते हैं। तो अगर हम देखें कि हर चीज के वेट में किसका मास आएगा, इन बॉल्स का मास, तो क्यों ना हम इन बॉल के मास को एक यूनिट बना दें। इस यूनिट को आप कुछ भी बोल सकते हो जैसा, इस यूनिट को आप कुछ भी बोल सकते हो जैसा नॉर्मल लाइफ में हम क्या बोलते हैं, केजी। केजी क्या है, एक ऐसे ही ब्लॉक का मास है जिसको हमने क्या मान लिया है, वन केजी। आप चाहो तो इसको अपना नाम दे सकते हो, आप इसको शाहरुख खान बोल सकते हो कि एक बॉल का मास शाहरुख खान है, तो इस बॉक्स का मास क्या हो गया, पांच शाहरुख खान। इस ग्रीन बॉल का मास कितना हो गया, सेवन शाहरुख खान। जो चीज आपको पसंद है वो आप इसको नाम दे सकते हो। तो इस तरह से किसी भी चीज के मास को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट्स डिराइव की जाती है। बोला यूनिट्स बनाना आपको समझ में आया, कि जब आपको ये समझ में आएगा तभी आपको एटॉमिक मास समझ में आएगा। ठीक, अब देखो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए भी हम कुछ ऐसा ही प्रोसेस काम में लेते हैं। हमने जो बॉल्स काम में ली, हमने इनके मास को स्टैंडर्ड मान लिया कि हम इनके रेस्पेक्ट में बाकी चीजों का मास कैलकुलेट करेंगे। सेम ऐसा ही हुआ जब एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की आई। देखो हम एटम इतना छोटा होता है कि आप एक एटम का एक्चुअल मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होता है उस एक एटम को दूसरे एटम से कंपेयर करने के लिए। तो जैसे हमने यहां पर एक बॉल को स्टैंडर्ड माना, एटॉमिक मास कैलकुलेट करते टाइम एक स्टैंडर्ड एटम लिया जाता है जिसका मास हमें पता होता है, और बाकी एटम्स को उस स्टैंडर्ड एटम से कंपेयर करके उसका मास स्टैंडर्ड एटम के टर्म्स में बता दिया जाता है। समझ में आता है आपको? तो हमने जो स्टैंडर्ड माना है वो है कार्बन 12 एटम। कौन सा एटम है? कार्बन 12 एटम। तो कार्बन के एक एटम को जिसका मास कितना होता है 12, हमने कौन क्या माना है, स्टैंडर्ड। और इससे कंपेयर करके हम बाकी एटम्स का मास लिखेंगे। तो देखो एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज द नंबर विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास एक नंबर है से एन, जो ये बताता है कि एक एटम, एटम ऑफ एन एलिमेंट, और सिंपली हम कह सकते हैं वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास क्या होता है, वो नंबर होता है जो ये बताता है कि एक एटम का एक एलिमेंट इस वैल्यू से, कौन सी वैल्यू से, 1/12 इंटू मास ऑफ वन
कार्बन 12 एटम से कितना हैवी है, यानी कितने टाइम से। ये कुछ कुछ ऐसा ही जैसा आपने भी एक्सपेरिमेंट किया था। आप इस एक बॉल को मान लो ये वैल्यू है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक, तो ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। हमें जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक मास पता करना है उसे हम इस साइड रखेंगे और ये चेक करेंगे कि इसका जो वैल्यू आ रही है वो इस स्टैंडर्ड वैल्यू से कितने टाइम्स आ रही है। जैसे ये मास ऑफ बॉक्स, मान लो ये कोई एक एलिमेंट होता तो उसको कितना लिखते, 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम लिखते। इसको अगर हम लिखते तो कैसे लिखते, 7 × 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इस तरह से हम इस एलिमेंट के एक एटम का मास इन टर्म्स ऑफ कार्बन 12 लिख सकते थे। यही एटॉमिक मास होता है कि आपके एलिमेंट का जो एक एटम है वो इस वैल्यू के कितना टाइम्स है। ये जो एन बना, इस एन को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो ये जो एन होगा यही हम एटॉमिक मास को डिफाइन करता है। तो अगर हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपली कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो ये होगा हमारा एटॉमिक मास। ठीक, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास क्या होता है, ये एक नंबर होता है ना, नंबर होता है जो ये बताता है कि आपका एक एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है। देखो ये जो एटॉमिक मास हमने डिफाइन किया ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। कौन सा मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास। और ध्यान रखना इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, जैसे मास की यूनिट होती है ना केजी, वैसे इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि हमने इसे किसके रिलेटिव डिफाइन किया है, कार्बन 12 के रिलेटिव, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देखो अब अगर मुझे अलग अलग एलिमेंट्स का मास लिखना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन का मास होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1 टाइम्स दिस वैल्यू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक, ये आप सोच रहे होंगे आपको कैसे पता लगेगा, तो आपको ध्यान में रखना है ना, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये बहुत इजी फॉर्म में आ जाएगा। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अब मुझे जिस भी एलिमेंट का मास लिखना है वो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में लिखना होगा, मुझे इसी यूनिट के फॉर्म में लिखना होगा। अगर मैं ऑक्सीजन का मास लिखूं तो वह जाता है 16 इंटू दिस वैल्यू। अगर मैं नाइट्रोजन का मास लिखूं वह आ जाएगा 14 इंटू दिस वैल्यू। यानी मैं चाहे जिस भी एलिमेंट का मास लिख लूं, ये जो चीज है, ये जो यूनिट है, ये बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू, तो क्यों ना मैं इस वैल्यू को कुछ नाम दे दूं ताकि मुझे बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े। इसको हमने नाम दिया AMU, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं हम इसे, एटॉमिक मास यूनिट। यानी अब मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना लिख सकता हूं, 1 AMU। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 16 AMU। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 14 AMU। इस तरह से हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को लिख सकते हैं। तो ये हुआ एटॉमिक मास, हमने डिफाइन किया एटॉमिक मास क्या होता है। और आपको ध्यान रखना है एटॉमिक मास को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है, कार्बन 12 एटम के रिस्पेक्ट में। फर्दर देखो, इसको एएमयू के अलावा यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यू। तो चाहे आप एएमयू बोल दो चाहे यू बोल दो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। ये दोनों ही किसकी यूनिट है, एटॉमिक मास की यूनिट है। तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास आपको याद रखने पड़ेंगे, तो जैसे हम उनको यूज करते जाएंगे वो हमें याद होते जाएंगे। तो एक बार इनकी लिस्टिंग कर लेते हैं। देखो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4। कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32,
क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, एक काम में आता है आपके आयरन जो होता है 56, कॉपर 63.5 एंड जिंक विच इज 65। कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। मैं फिर से वही कहूंगा, आपको बैठकर इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे इन्हें यूज करते जाओगे वैसे वैसे आपको वैल्यूज याद होती जाएंगी। तो इनको याद करने के लिए आपको परेशान नहीं होना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एटॉमिक मास, आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास याद है तभी आप इस चैप्टर में आगे कैलकुलेशंस कर सकते हो। इनको याद करने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको इनके लिए परेशान नहीं होना है। चलो ये हुई बात एटम्स के बारे में। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एटम्स कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ एक एलिमेंट्स के एटम्स अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन हर एलिमेंट का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा एक दूसरे से कंबाइन होकर एग्जिस्ट करते हैं। तो जब एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वो एक नई चीज फॉर्म करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। आओ डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सी, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, दो और दो से ज्यादा एटम्स मिलकर जो चीज बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो मॉलिक्यूल्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं O2 मॉलिक्यूल, तीन ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं O3 मॉलिक्यूल, चार फास्फोरस मिलकर बनाते हैं P4 मॉलिक्यूल। इस तरह से एटम्स कंबाइन होकर अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देखो यहां कितने एटम्स है, 2, 2, 3, 4, यानी हर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है, इन दोनों में सेम है लेकिन बाकी सब में क्या है, डिफरेंट। तो यहां से हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं हम इसे, एटॉमिसिटी। देखो एटॉमिसिटी क्या होती है, सिंपली द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल वही क्या होती है, इसकी एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी। तो फॉर एग्जांपल हम अलग अलग केसेस में बात करेंगे, जब कंपाउंड में एक एटम होता है तो हम उसे बोलते हैं मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। तो देखो मॉलिक्यूल है तो उसमें एटलीस्ट दो एटम्स तो होने चाहिए, तो ये बेसिकली मॉलिक्यूल नहीं हुआ, ये सिर्फ क्या हुआ, एक एटम। तो नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। दूसरा टर्म हम डिफाइन करते हैं डाई एटॉमिक। डाई का मतलब इसमें कितने एटम्स होंगे, टू एटम्स। जैसे H2, O2, Cl2, Br2, ये सब के सब क्या हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर दो एटम्स हैं। इसी तरह क्या आएंगे, ट्राई एटॉमिक, जैसे ओजोन O3, ये कैसा होता है, एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जब चार होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, टेट्रा एटॉमिक, यानी इसकी एटॉमिक सिटी कितनी होगी, 4, जैसे P4। इसके बाद जो भी बनते जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक, यानी उनके अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स हम मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं एज मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड टेट्रा एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक। तो ये मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो अभी तक आपने जितने भी मॉलिक्यूल्स देखे सब में एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट, जरूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो, इसमें अलग अलग टाइप के एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कितने टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं हम मॉलिक्यूल्स को फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड
बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। तो वो मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोटॉमिक। जैसे H2, N2, Cl2, O3, P4। यानी अभी जो आपने पहले एग्जांपल देखे थे वो सब किसके एग्जांपल्स थे, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स। तो अगर होमोएटॉमिक होते हैं सेम एटम्स वाले तो हेटरोटॉमिक क्या होंगे, विच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम्स, है ना। तो जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेटरोटॉमिक। फॉर एग्जांपल CO, NO, इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। CO2, NO2, SO2, SO3, ये सब कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके अंदर दो अलग अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं। अब देखो एक और चीज, यहां बताओ टोटल कितने एटम है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन 2, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन 2, इन्हें हम क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहां देखो एक कार्बन दो ऑक्सीजन 3, वन नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन 3, वन सल्फर टू ऑक्सीजन 3, तो ये कैसा हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली एक सल्फर 3 ऑक्सीजन 4, तो ये कैसा हो जाएगा, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इस तरह से मॉलिक्यूल्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, एक डिपेंडिंग ऑन एटम्स टाइप ऑफ एटम्स और दूसरा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स। तो चलो इस तरह से हमने डिफाइन किया मॉलिक्यूल्स के टाइप्स को। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने एटम्स के लिए एटॉमिक मास पढ़ा था सेम उसी तरह मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की हम एटॉमिक मास की तरह कोई डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम सिंपल सा एक पॉइंट लिखेंगे, दैट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, एटम्स। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं CO2 मॉलिक्यूल की, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स से मिलकर बना है। अब देखो यहां पर कितने कार्बन एटम्स हैं, एक कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, दो। बताओ कार्बन एटम्स का मास कितना होता है, हमने लिखा था 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो अगर मुझे CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना, इसके अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस का मैं क्या कर दूंगा, सम। तो एक कार्बन है तो 1 × 12 प्लस दो ऑक्सीजन है तो 2 × 16, कितना हो गया 12 + 32, दैट इज 44। तो 44 क्या हो गया, CO2 का मॉलिक्यूलर मास। और एग्जांपल देखते हैं, देखो मान लो SO3, कितना सल्फर है, 1, तो 1 सल्फर, हर सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, वो आप टेबल से देख सकते हो, प्लस 3 ऑक्सीजन और हर ऑक्सीजन का मास कितना है 16, सो 32 प्लस 16 3 = 48, ऐड करो कितना आएगा 80, SO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 80। चलो और थोड़ा आगे चलते हैं, H2SO4, ये भी एक मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसका मॉलिक्यूलर मास देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 × हर हाइड्रोजन का मास 1 प्लस 1 सल्फर इंटू 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, 4 × ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो कितना हुआ 2 + 32 = 34 प्लस 64, टोटल कितना हुआ 98। इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर के साथ टोटल उनके एटॉमिक मासेस का सम लिख दो, वही क्या हो जाएगा उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं और हम कैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। चलो